हेलो एवरीवन, हम थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो अनुसंधान प्राविधि विषय है उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हमने देखा था कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान के उद्देश्य क्या है और अनुसंधान के प्रकार क्या है। आज हम बात करते हैं कि पुस्तकालय में सूचना विज्ञान है, इसमें अनुसंधान की आवश्यकता क्या है और अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है। अगर हम पुस्तकालय के पिछले समय में जाएं तो प्राचीन काल में जो पुस्तकालय होते थे उनके जो उनकी जो आवश्यकताएं होती थी या उनका जो मुख्य काम होता था वो सुरक्षा होता था कि पुस्तकों की सुरक्षा करना। पुस्तकों की सुरक्षा के लिए ही पुस्तकालयों का निर्माण किया जाता था। लेकिन जो वहाँ से लेकर उन पुस्तकालयों की वहाँ से जो यात्रा की शुरुआत हुई उससे लेकर आज तक की यात्रा तक देखें हम तो वर्तमान समय में डिजिटल फॉर्मेट में, मल्टीमीडिया फॉर्मेट में और विभिन्न मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से और वर्चुअल लाइब्रेरी के माध्यम से हम प्रलेखों का अध्ययन करते हैं। तो जो वहाँ से लेकर आज तक की जो यात्रा हुई है वो कहीं न कहीं अनुसंधान के परिणाम के रूप में ही परिलक्षित हुई है। आज पुस्तकालय एक विषय के रूप में स्थापित हुआ है, पुस्तकालय एक विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ है और पुस्तकालय आज एक सूचना पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ है। तो ये जो स्थापना है ये कहीं न कहीं अनुसंधान के द्वारा और विभिन्न जो पुस्तकालय के जो सेक्शंस हैं उनके आधार पर, उनमें अनुसंधान के द्वारा ही आज वर्तमान में पुस्तकालय एक इस स्तर पर आकर बैठा है। अगर हम बात करें पुस्तकालय की जो सेक्शंस हैं तो जैसे अर्जन विभाग है, तकनीकी विभाग है, पत्र पत्रिका नियंत्रण विभाग है, संदर्भ अनुभाग है और मैनेजमेंट है, सांख्यिकी अनुभाग है, प्रबंधन है और एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इन सभी सेक्शनों में जो उन सेक्शनों की आवश्यकताएं हैं, उन सेक्शनों में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं और पाठकों की आवश्यकता के अनुरूप उनमें कोई परिवर्तन करना है तो वो सब परिवर्तन अनुसंधान के आधार पर ही हो रहे हैं। हम किसी ऐसे किसी अपनी बात को लागू नहीं कर सकते जो कि बिना तथ्य के ऊपर आधारित हो, बिना विश्लेषण के ऊपर आधारित हो। आज पुस्तकालय इतना बड़ा विषय बना है तो वो एक तथ्यात्मक आधार पर और परिणामों के आधार पर किसी न किसी अनुसंधान के बना है। तो जो वर्तमान में जो पुस्तकालय की आवश्यकता है, पुस्तकालय में अनुसंधान की क्या आवश्यकता क्यों है तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ा तो इसका जो पहला पॉइंट है वो यह है कि पुस्तकालय को शैक्षणिक जगत में एक विषय के रूप में स्थापित करना। मतलब पुस्तकालय जो हैं उनको विषय जगत में, जो शिक्षण का जो जितने भी विषय हैं उनमें उसको लाकर खड़ा करना कि नहीं, वास्तव में भी पुस्तकालय एक विषय है और ये एक विषय के रूप में स्थापित होगा तभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहली बात तो पुस्तकालय जगत, पुस्तकालय को शैक्षणिक जगत में एक विषय के रूप में स्थापित करना। और इसके अलावा जो दूसरी बात है वो जो पुस्तकालय की आवश्यकताएं हैं या पुस्तकालय की जो कमियां हैं, पुस्तकालय की जो सेवाएं हैं उनमें कोई कमियां हैं तो उन कमियों को पूरा करने के लिए भी अनुसंधान की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ पाठकों की आवश्यकता जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पास जो पाठक है उनके जो मायने आज वर्तमान समय में बदल चुके हैं। आज से जो 10 साल पहले जो पाठकों की आवश्यकताएं थी वो आज नहीं है, या फिर जो 100 साल पहले जो आवश्यकता थी वो 50 साल पहले नहीं थी, या 100 साल पहले थी वो उससे 100 साल पहले नहीं थी। तो समय के साथ में और ट्रेंड्स के साथ में पुस्तकालय में जो पाठकों की आवश्यकता है वो भी बदलती जाती है। तो अब पाठक जो हैं उनकी आवश्यकताओं को पहले समझना, उनको महसूस करना और उनके ऊपर रिसर्च करके उन जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पुस्तकालय में लागू करना, तो ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं ये सभी व्यवस्थाएं अनुसंधान के ऊपर ही आधारित है। जो वर्तमान में अगर पाठक की आवश्यकता की बात करें तो यूज़र नीड्स और यूज़र स्टडीज़ और यूज़र बिहेवियर आदि विषय हैं जिनके ऊपर दुनिया भर के अनुसंधान हो रहे हैं कि पुस्तकालय में यूज़र का क्या बिहेवियर है और यूज़र की क्या आवश्यकता है और यूज़र के लिए पुस्तकालय कौन कौन सी सेवाएं दे सकता है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स पर भी अनुसंधान हो रहे हैं। तीसरी बात है पुस्तकालय के जो कर्मचारी
तो पुस्तकालय के जो व्यवसाय के जो कर्मचारी हैं, तो इन व्यवसायिकों को समय के साथ ट्रेनिंग देना, यानी जो ट्रेडिशनल पुस्तकालय थे जब कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था या कंप्यूटर पुस्तकालय में नहीं आया था, तब वो ट्रेडिशनल पुस्तकालय व्यावसायिक थे, लेकिन जो कंप्यूटर पुस्तकालय में आ गया, तकनीकी पुस्तकालय में आ गई, ऐसी स्थिति में उनको भी ट्रेंड करना एक बड़ी चुनौती होती है। तो उस उनको जो तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए जो अनुसंधान हो रहे हैं वो उनको ट्रेंड करने में बहुत ही अधिक काम आ रहे हैं। इसके अलावा पुस्तकालय विज्ञान जो विषय है, इस विषय में नवीनतम ज्ञान स्थापित करने के लिए, नया ज्ञान जोड़ने के लिए, इस विषय को बड़ा विषय के रूप में स्थापित करने के लिए भी अनुसंधान की आवश्यकता होती है। जो पुस्तकालय की जो तकनीकियाँ होती है, पुस्तकालय की जो प्रविधियाँ होती है, उन प्रविधियों के विकास के लिए भी अनुसंधान की आवश्यकता होती है। जो रंगनाथन महोदय ने जो 5 सूत्र दिए थे पुस्तकालय विज्ञान, आज जो पुस्तकालय विज्ञान है उन्होंने आज से 70 साल पहले ये सूत्रपात किया था, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो आज ही उतनी है और बढ़ चुकी है उनकी वैल्यू। तो जो अनुसंधान हो रहे हैं उन वो 5 सूत्र थे उनके इर्द गिर्द ही हो रहे हैं, क्योंकि पुस्तकालय विज्ञान उन 5 सूत्रों के इर्द गिर्द ही घूमता है, उन 5 सूत्रों से पुस्तकालय विज्ञान बाहर नहीं है। बस फर्क इतना आ गया है कि जो 4th सूत्र है पाठक का समय बचाओ, वो 4th सूत्र वर्तमान में सबसे पहले आ गया है, क्योंकि वर्तमान में जो पाठक की रिक्वायरमेंट है वो कम से कम समय में मिले, क्योंकि पाठक के पास समय की बहुत कमी है। तो इस संदर्भ में भी अनुसंधान हो रहे हैं। साथ ही साथ जो पुस्तकालय का वित्त है, अब जैसे समय के साथ जो वित्त की कमी हो रही है, पुस्तकालय को जो बजट का आवंटन में जो कमी हो रही है, तो इस कम बजट में पुस्तकालय अपनी सेवाएँ कैसे प्रदान करें, तो ऐसी स्थिति में भी अनुसंधान की आवश्यकताएं होती है। साथ ही साथ पुस्तकालय जो ट्रेडिशनल पुस्तकालय थे उनका जो ऑटोमेशन करके या फिर उनका आधुनिकीकरण करके उनको डिजिटाइज रूप में किया जा रहा है, स्वचालित किया जा रहा है, और साथ ही साथ एक डिजिटल पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है, और वर्तमान में तो वर्चुअल पुस्तकालय आ चुके हैं, आप पुस्तकालय को अपने मोबाइल के ऊपर या डिजिटल पुस्तकालय को अपने मोबाइल के ऊपर देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। तो ये सभी जो परिवर्तन हुए हैं, इन परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो पाठकों की आवश्यकता के अनुरूप अनुसंधान किया गया, और अनुसंधान के परिणाम के आधार पर ही पुस्तकालय आज इस स्थिति में खड़ा है कि वर्तमान की जो पाठक की आवश्यकताएं हैं उनको समझ के उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पुस्तकालय सूचना विज्ञान जो है वो आज एक बड़े विषय के रूप में स्थापित हुआ है, वो कहीं ना कहीं अनुसंधान संबंधित जो टॉपिक्स हैं उनमें अनुसंधान के आधार पर ही हुआ है, और आने वाले समय में भी पुस्तकालय सूचना विज्ञान में जिस प्रकार पाठकों की आवश्यकताएं बढ़ेगी उस आधार पर अनुसंधान होते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए अनुसंधान आवश्यक है पुस्तकालय में, क्योंकि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, लोगों से जुड़ा हुआ है, जो पब्लिक ट्रेंड्स है उससे जुड़ा हुआ है, पाठक के ऊपर आधारित है। अगर ये कोई सामान्य कार्यालय होता तो जो आवश्यकताएं होती, जो नीड्स होती वो अलग होती, लेकिन क्योंकि ये जो पाठकों की से जुड़ा हुआ है, ये लोगों से जुड़ा हुआ है और ये समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें अनुसंधान बहुत ही ज़रूरी है, और नवीनतम अनुसंधान के आधार पर ही पुस्तकालय इस जो वर्तमान स्थितियां हैं उसमें सर्वाइव कर पाएगा, अन्यथा पुस्तकालय के लिए एक बड़ा जो विकट है वो भी सामने आ सकता है। तो जो पुस्तकालय सूचना विज्ञान में अनुसंधान अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, और बिना अनुसंधान के पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय सूचना विज्ञान नहीं है।